सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज हम बात करेंगे कि 24 मई को थर्सडे को मार्केट में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कितने नीचे गिर सकते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आज की मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो आज का सेशन कैसा गया, तो मैंने आपको 5 स्टॉक्स बताए थे जिसमें मैंने आपको सन फार्मा, सिप्ला, पिडिलाइट, टाटा मोटर्स, ये चारों के चारों स्टॉक्स आपको बाय करने के लिए सलाह दी थी और IOC आपको मैंने सेल करने की सलाह दी थी। हमने देखा था कि मार्केट में गिरावट थी, हमने पता था कि मार्केट बहुत कमज़ोर है, पर मैंने आपको बाय की सलाह दी, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट थी। अगर हम बात करते हैं सिप्ला, पिडिलाइट, टाटा मोटर्स की, तो हमें इसके दोनों तीनों के दोनों टारगेट्स अचीव होते हुए दिख गए। अगर हम बात करते हैं पिडिलाइट की, तो पिडिलाइट ने जो मार्केट में हाई बनाया था और जो मैंने आपको अपना सेकंड टारगेट दिया था बिल्कुल सेम थे, तो आप देख सकते हैं कितनी एक्यूरेटली मैंने आपको टारगेट दिए थे। और अगर आप कन्फर्म नहीं है तो जो टाटा मोटर्स का हाई था और जो मेरा सेकेंड टारगेट था वो भी बिल्कुल सेम था, तो आप समझ सकते हैं कितने एक्यूरेटली आपको इसमें दोनों के दोनों टारगेट्स अचीव होते हुए दिख गए थे। अगर हम बात करते हैं IOC के लिए, तो मैंने आपको 2 दिन से IOC को सेल करने की सलाह दे रहा हूँ और आप अच्छे खासे रिटर्न कमा चुके होंगे IOC के अंदर, क्योंकि मैंने आपको दोनों टारगेट्स दिए थे, वो दोनों टारगेट्स हमें अचीव होते हुए दिख गए हैं। सन फार्मा की बात करें तो हमारा उसमें पहला टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद हमने वहां से एक गिरावट आनी शुरू होते हुए देख ली। तो जब हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ तो वहां पर अगर आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगा लिया होगा तो आप वहां से एग्जिट कर गए होंगे अपने प्रॉफिट के साथ। तो मेरे बहुत से व्यूअर्स के बाद मेरे कॉल आए थे कि उन्होंने पिडिलाइट में जब उसका फर्स्ट टारगेट उन्हें अचीव हुआ तो उन्होंने वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वो सेकंड टारगेट के ऊपर जब उसने हाई बनाया वहाँ से गिरावट शुरू हो गई, तो उन्होंने और गिरावट बढ़ती गई तो वो अपने जो करंट मार्केट प्राइस जिससे खुला था उसके भी नीचे चला गया और उन्हें लॉस हो गया। तो मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस में कहते रहता हूँ, जब भी आपको कोई टारगेट अचीव हुआ करे तो आप उसे स्टॉप लॉस ज़रूर मान लिया करिए। अगर गलती से भी मार्केट एक रिवर्स पैटर्न बना लेती है और वहाँ से मार्केट गिर जाती है तो आपको लॉस होने की संभावना बिल्कुल भी ना हो और आप प्रॉफिट करके ही निकले। तो ये 5 स्टॉक जो मैंने आपको बताए थे आपको अच्छा फुल प्रॉफिट हो गया होगा। अब कल कौन से सेशन में हमें प्रॉफिट हो सकता है, कौन से स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो एक खास बात मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा और मैं आपको चार्ट्स भी दिखाने वाला हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी की, क्या उसका सपोर्ट था और क्या मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल हमें अचीव होते हुए दिख गया। जिंदाल स्टील, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, HDFC लाइफ, टाटा मोटर्स, तो ये स्टॉक्स हैं जो मैं आपके आपको कल मार्केट में सजेस्ट कर रहा हूँ। जिंदाल स्टील सेल करने की सलाह दी जाएगी, 222-218 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 235 का लगा के चलना पड़ेगा। आपको यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस शो कर रहा होगा, तो मैंने आपको जो आज स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ वो बहुत वॉलेटाइल हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं और शायद हम कह सकते हैं आपको थोड़े ऊपर के लेवल्स में अगर मिलते हैं तो आप वहाँ से और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नीचे के लेवल्स मिलते हैं तो आपको स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हैं अपने करंट मार्केट प्राइस के आसपास जहाँ से आपने इसे बाय कर रखा है, पर ये थोड़े वॉलेटाइल स्टॉक है तो मैं आपको स्टॉप लॉस जो बता रहा हूँ वो थोड़े दूर के बता रहा हूँ। तो अगर ये आपको ऊपर के लेवल्स में मिलता है तो हम वहाँ से वापस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इसमें बना सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको इसमें 280-274 के टारगेट्स के साथ, स्टॉप लॉस आपको 289 का लगा के चलना होगा। वेदांता सेल करने की सलाह दी जाएगी, 248-242 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 259 का लगा के चलना। HDFC लाइफ शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी, हम देख रहे हैं कि कंसेक्यूटिवली भी ये एक हफ्ते से ये गिरावट ही दिखा रहा है और यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ये अपने मूविंग एवरेजेस के आसपास ही है, तो वहाँ से हम थोड़ा और गिरावट आते हुए इसमें देख सकते हैं, ये और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, तो शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी 471-462 तक के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 487 का लगा के चलना है। तो HDFC लाइफ में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ 2 स्टॉप लॉस दिख रहे होंगे, तो मैंने आपको
ये बाय करने सेल करने की सलाह दी है 2 से 3 दिन के लिए। अगर आप इसे सेल कर सकते हैं तो आप यहाँ से 260 तक के, 460 या 460 से भी नीचे तक के टारगेट्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपको यहाँ पर इंट्राडे में वर्क करना है तो आपको मैं स्टॉप लॉस थोड़ा पास का सजेस्ट कर रहा हूँ, तो 472 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 471 तक के हम टारगेट्स इसके अंदर कल के मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाटा मोटर्स जिस तरीके से मैंने आपको बाय की सलाह दी थी, हमने देखा था आउट परफॉर्म करा था, पर हमने देखा कि टाटा मोटर्स के रिजल्ट आए तो रिजल्ट में जीएलआर में भी हमने इसमें गिरावट आते हुए देखी है, कमजोर उसने अपने रिजल्ट्स दिखाए हैं, तो इसमें शायद हमें एक और अच्छी गिरावट आते हुए देख सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि ये ऊपर के लेवल्स बना रहा था, पर वहां से हमने एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आते हुए देखी, यहाँ पर जो बीएस थे वो ज्यादा इसमें भारी पड़ चुके थे। हमने देखा था कि अब ये एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बन सकता है और ये और लोअर लेवल्स दिखा सकता है। इसका अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो 297 के पास इसका बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, वहाँ से ये बाउंस बैक देने की कोशिश करता है, तो 297 का हम एक टारगेट मान के चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 316 का लगा के चलना है। जिस तरीके से हमने देखा लोगों ने इसमें थोड़ी बहुत बाइंग पोजिशन अभी भी बना के रखी हुई है, उनको एक्सपेक्टेड था कि जीएलआर के जो इसके डाटा आना है वो उसका अच्छा डाटा आएगा, पर उन लोगों ने अपनी वहाँ पर पोजीशन बना के रखी है। अगर कल मार्केट में ये थोड़ा और ऊपर के लेवल्स दिखाता है तो आप वहाँ से क्लियर शॉर्ट कर सकते हैं अच्छा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। निफ्टी की बात करें तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि ये अगर 10,480 के नीचे जाता है तो हमें 10,400 तक के लेवल्स भी आने को देखने को मिल सकते हैं, तो वो हमें अचीव होते हुए दिख गए। हमने देखा है कि 10,417 जो इसका लो है वो लो एक इसका स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है। हमने देखा उसका लो नहीं टूटा, तो वो लो रीज़न यही था कि वहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट था जिस वजह से ये लो नहीं टूटा। तो आपको मैं सलाह यही दूंगा, अगर 10,417 10,400 के नीचे जाता है तो हम आने वाले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 10,300 तक के भी लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 10,480 या 480 के अबव का लगा के चलना पड़ेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो मैंने आपको यही बताया था, ये आपको मैं पिछला डाटा ही दिखा रहा हूँ। 25,600 680 मैंने आपको बताई थी रेंज लोअर साइड में, और अपर साइड में 26,080 की रेंज बताई थी। तो आज जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है बिल्कुल अपनी लोअर रेंज में दी है। अगर ये लोअर रेंज जो है अगर वो टूट जाती है तो हम कह सकते हैं कि 25,480 के भी लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बहुत वॉलेटाइल बैंक निफ्टी इंडेक्स है, तो स्टॉप लॉस हमें थोड़ा दूर का लगा के चलना चाहिए। और आपको मैं सलाह यही दूंगा, जितने भी आपको यहाँ पर अपर साइड मिलती है बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर, वहाँ से आप अपनी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बना के चलिए, तो आप वहाँ से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी ऊपर में कल सेशन में मिलता है तो आप वहाँ से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, आप एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर चल सकते हैं, आप पुट को सेल करके चल, आप कॉल को सेल करके चल सकते हैं, वहाँ से भी आप एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो वो आप स्ट्रैटेजी कल आपको मैं इंट्राडे के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप अच्छा खासा अर्न कर सकें। तो चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान जिंक का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, जो मैंने आपको स्टॉक सेल करने की सलाह दी है। तो ये स्टॉक सेल करने की सलाह की वजह क्या थी, आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप इजी देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे कि एक मूविंग एवरेज ने दूसरी मूविंग एवरेज को यहाँ पर काटा हुआ है। तो ये कौन सी मूविंग एवरेज है, जो रेड कलर की मूविंग एवरेज है जो नीचे की तरफ आई है वो 50 डे की है, और जो ब्लू कलर की है वो 100 डेज की है। तो आप देख सकते हैं कि 100 डे की मूविंग एवरेज को 50 डे की मूविंग एवरेज ने काटा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक डेथ कॉल होती है। तो डेथ कॉल का मतलब ये होता है कि अगर कोई 50 डे की मूविंग एवरेज 100 डे की मूविंग एवरेज को अगर 50 डेज की मूविंग एवरेज काट देती है डेली बेसिस में, तो हम यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि यहाँ से गिरावट और तेज़ी से आएगी। पर अगर हम कहें कि डेली चार्ट में, तो यहाँ पर एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम कर देता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसी लेवल से ये बाउंस बैक दे सकता है, जो इसका लो बना हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियसली भी, यहाँ से भी इसने बाउंस बैक दिया और यहाँ से भी बाउंस बैक दिया। पर हम कह सकते हैं तब इसने अपने डेथ रेट को कंट्रोल नहीं करा था। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही इसने अपने डेथ रेट को तोड़ा था, हम यहाँ से हमने अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी थी, तो आप इसे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कैंडिडेट बन के चल सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक सपोर्ट का भी काम कर रहे हैं, यहाँ से हम बाउंस बैक आते हुए देख सकते हैं, और ये एक डेथ कॉल मानी जाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ से गिरावट और एक्सटेंड हो सकती है। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आप निफ्टी में देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए यहाँ पर एक साइन बनाया हुआ था कि ये एक रेंज थी, इस रेंज के साइड में ही ये ट्रेड कर रहा था। तो हमने देखा था कि जैसी इस रेंज के ऊपर ये निकला था, आप देख सकते हैं, आपको मैं यहाँ पर
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेंज थी जिस रेंज में निफ्टी बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, इस रेंज के ऊपर निकला था, तो मैंने आपको बाई की सलाह दी थी और हमने देखा था, हमने और ऊपर के लेवल्स बनते हुए देखे थे। पर जिस तरीके से हमने यहाँ पर करेक्शन आते हुए देखी, इसने यहीं पर ही सपोर्ट लिया है कि जो मैंने आपको लेवल बताया था 10,417 का, तो 10,417 पे इसने अपना सपोर्ट लिया। तो हम कह सकते हैं अगर इस सपोर्ट को ये तोड़ता है, और हमने देखा कि आज इसने सेशन में 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर दिया था और उसके नीचे जाके सस्टेन करा, जो कि 10,480 का लेवल था, तो वहीं से मैंने आपको शॉर्ट करने की सलाह दी थी और वहीं से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हो गया था। अगर इसके नीचे निकलता है तो हम कह सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, जिसे वो टेस्ट करने की ज़रूर कोशिश करेगा, जो कि 10,260 10,270 के आसपास है, तो आप इसमें अच्छा खासा ट्रेड कमा सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये 38.2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट दे रहा है, वहाँ से बाउंस बैक उसके नीचे गिरावट देने की कोशिश नहीं कर रहा। हम देखते हैं उसके नीचे लो बनता है पर उसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिलती है, जो कि है 25,480 का लेवल। हमने उसके ऊपर उसके बिल्कुल पास करेक्ट ही हमने वहाँ पर हमने क्लोजिंग होते हुए देखी है। अगर उस लेवल को ब्रीच करता है, जैसे कि मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ, तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 10,500 10,480 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हम उसके और लोअर लेवल्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक तरीके से अपने चार्ट को, मैं जो मैं आपको चार्ट शो कर रहा हूँ, आप उसकी फोटो ले सकते हैं और वहाँ से आप अपना खुद का ट्रेड बना सकते हैं। वरना डेली बेसिस में तो मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर कुछ चार्ट में इंटरेस्टिंग शो करने के लिए होता है तो मैं आपको ज़रूर दिखा देता हूँ। एक खास बात आपको और बताना चाहूँगा जो मैं आपको बताने वाला था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कल के सेशन में आज जो मार्केट में होना था उसके लिए मैंने कल ही वीडियो डाल दी, ब्लॉग अपना डाल दिया था, मैंने आपको बताया था, कल रात को ही मैंने पोस्ट डाल दिया था कि आंध्रा बैंक ने क्वार्टरली लॉस सजेस्ट करा। तो यहाँ पर आपने देखा था कि आज बैंक ने बहुत अच्छी गिरावट दिखाई थी, तो अगर आपने इस ब्लॉग को पढ़ा होगा तो आप अच्छे खासे ट्रेड में रहे होंगे। तो अगर हम बात करते हैं, हमने देखा था आज वेदांता को मैंने शॉर्ट करने की सलाह दी है और वहीं पर ही हमने देखा था बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, तो गिरावट का रीज़न क्या था आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मैंने एक दिन पहले ही वहाँ पर पोस्ट डाल दी थी कि तमिलनाडु में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिससे वेदांता की जो एम्बुलेंस थी वहाँ पर उसने 9 लोगों की जान ले ली थी, उसकी वजह से हमने देखा था कि ये एक न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक था और यहाँ पर हमने गिरावट आते हुए देखी थी। तो अगर आप मार्केट ओपन होने से पहले ये मेरे ब्लॉग्स को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ मुझे ये ट्रेड लेना है, ये ट्रेड नहीं लेना है, तो आप अच्छा खासा और अर्न कर सकते हैं। तो मेरे व्यूअर्स ने जो ये देखे थे तो उनके बहुत से मेरे पास फ़ोन आए कि आपके ब्लॉग से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और मैंने अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ अर्निंग करी है, तो उन्होंने मुझे थैंक यू भी बोला था। तो आप एक बार मार्केट ओपन होने से पहले मेरे ब्लॉग्स को ज़रूर पढ़ा करिए, और अगर आपको इसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग चैनल पर जा सकते हैं, उसका लिंक मैंने दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप वहाँ जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करिएगा, नीचे आप मेरे यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फॉलो का ऑप्शन शो कर रहा होगा, आप मुझे यहाँ पर आके फॉलो कर सकते हैं। जब आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट लिंक पहुँच जाएगा कि मैंने कोई ब्लॉग डाला है या कोई न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक यहाँ पर आपके लिए शो करा है। तो मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ और एक अहम बात आपको और बताना चाहूँगा, जो मैं आपको पेड सर्विस के लिए बता रहा था वो वीडियो भी इसी वीडियो के साथ आने वाली है, आप थोड़ी देर और वेट कर सकते हैं तो आपको वो वीडियो वहाँ पर शो कर जाएगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने पूरे अच्छे स्ट्रक्चर से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है और आपको इतनी पेमेंट ही नहीं देनी पड़ेगी, आप जितना डेली बेसिस में यूज़ करते हैं, जितने आप डेली बेसिस में पैसे उड़ा देते हैं, उसका हम सिर्फ 25% आपसे मांग रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी वो अपॉर्चुनिटी होगी अपना एक ट्रेड बनाने के लिए, अपनी एक इन्वेस्टमेंट से पोर्टफोलियो जनरेट करने के लिए। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इंट्राडे गाइड हुआ पेड, उसके हिसाब से मैंने वहाँ पर अपनी वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख सकते हैं। तो मैं शिवांश बसीन आपसे मिलता हूँ कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।